चाप द्वारा, ये चाप केंद्र बना कोण, केंद्र बना कोण ये होगी। परिधि पर कोई बिंदु लेकर अगर इस चाप को जोड़े तो ये चाप द्वारा परिधि पर बना कोण। फिर मैं ये कहती है कि चाप द्वारा केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना हो। अगर परिधि पर 30 बन रहा है तो ये 60 होगा, ये 45 बन रहा है तो ये 90। इस बात को हम सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक वृत्त है, एक चाप है, वृत्त का केंद्र। चाप को हम वृत्त के केंद्र से जोड़ देंगे, फिर परिधि पर एक बिंदु पी लिया हमने, उस पी को हमने वृत्त के चाप के अंत बिंदु से जोड़ दिया। उसके बाद एक रचना करें कि पी को ओ से मिला के ई तक आगे बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। इसे सिद्ध करने के लिए आपको हमने बताया था कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो बहिष्कोण, ये बहिष्कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग। अगर त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं आगे, ये बहिष्कोण बने, ये अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं ये बहिष्कोण बने, ठीक है। उत्पत्ति दे। और एक बात और बताई थी, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज के आमने सामने के कोण भी आपस में समान भुजाओं के सम्मुख कोण और बहिष्क कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है, है ना। और बहिष्क कोण कैसे बनता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाती है, वो बड़ी हुई भुजा त्रिभुज की संलग्न भुजा से जो कोण बनाती है वो बहिष्क कोण कहलाता है। इन दो बातों का इसमें हम देख रहे हैं, त्रिभुज AOP, AO, ये वृत्त का केंद्र, ये परिधि पे एक स्थित बिंदु, ये परिधि पे एक स्थित वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है रेखाखंड प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी OP बराबर OP। OP भी त्रिज्या है और OA भी त्रिज्या है और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में ये दोनों भी आपस में, लेकिन ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके आमने सामने के कोण भी कोण OAP बराबर हो जाएगा, कोण OP समान भी होंगे। कोई नई बात तो नहीं बताई अभी तक। अब ये दोनों अगर बराबर है तो इसे x कहेंगे, तो ये भी इसे x कहेंगे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं OB किसके बराबर है, OP की, तो इसके आमने सामने इस वाले त्रिभुज में इसके आमने सामने कौन बराबर है, तो OP भी बराबर होगा कोण OBP। इसे वाई कह दो, इसका कारण भी ये रहे कि समान भुजाओं का संबंध होगा, यानी इस कोण को छोटे से पास अगर वाई कहूँगा तो ये वाला भी वाई, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज देखो जरा, अगेन फिर से त्रिभुज OPA, इसमें साफ साफ ये वाली भुजा बढ़ाई गई है, तो ये कोण जो बना ये कैसा कोण बना, कोण AOB जो है वो कैसा कोण है, और बहिष्कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके और इसके योग के। एक बार अपना बना के दिखाऊंगा, ये तो है ये, इसमें ये वाली भुजा बढ़ा दी तुमने, ये बहिष्कोण बना, तो ये अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग,
दोनों का योग क्या बराबर हो, जिसका मतलब कोण AOE कितना हो जाना चाहिए, x प्लस x, इसी प्रकार कोण BOE कितना हो जाना चाहिए, y प्लस y, ये तो 2x हो गया और ये कितना हो गया, चित्र में लिख दो ये 2x और ये, अब पूरा कोण लिखना AOB, दो एक्स प्लस दो वाई, ये वो भी जो होगा वो दो एक्स प्लस दो, दो कॉमन लिख, एक्स प्लस वाई कौन सा कोण, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस कौन सा कोण, ए पी बी पी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई की जगह कोण ए पी, तो आपने सिद्ध कर दिया कि केंद्र बना कोण परिधि में बने कोण का, अच्छा इस वाले चित्र में देखें तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ये दोनों एक्स एक्स हो, ठीक है, ओ बी वाले को वाई है, ये दोनों वाई वाई हो गए, ये भी वाई और ये भी, इसमें हम देख रहे हैं ये वाली OP जो है वो OA के बराबर, तो अगर ये छोटा वाला कोण x होगा ये वाला भी, क्वेश्चन सर इस त्रिभुज के लिए देखो, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण बन रहा है, ये बहिष्कोण अपने सामने वाला दोनों कोणों का योग होगा, ये कितना जाएगा वाई प्लस वाई कितना होगा, दो वाई, इस वाले चित्र ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है, पी हाँ ना होकर पी हाँ भी तो हो सकता है, तो ये बनेगा और इस कोण में संबंध ढूंढने की कोशिश करें, इन दोनों को मिलाकर इनको आगे बढ़ा देते हैं, ये स्थिति और देख रहे हैं ये OP OB के बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे वाई वाई, और ये वाई वाई हो गया और ये दोनों, ये बहिष्कोण होगा तो कोई वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा बढ़ाई गई है, इसकी कौन सा कोण BOE, BOE ये BOE कितना हो जाएगा पूरा, ये अपने सामने वाले दोनों कोण इस त्रिभुज के अंदर देखो, त्रिभुज OPB में BOE कैसा कोण है, अगर ये बहिष्कोण है कोण BOE का मान हो जाएगा y प्लस y, यानी कितना इस त्रिभुज में कोण AOE यानी ये छोटा वाला, ये इस वाले त्रिभुज के लिए बहिष्कोण, तो ये कितना हो जाएगा AOE x प्लस x 2x, हमें निकालना है कोण कौन सा AOB, कोण AOB कितना आ रहा है देखो, ये पूरा 2x था, नहीं ये 2x था और ये कितना था 2y, में से 2x निकाल दो तो ये कोण बचेगा, ये वो भी बचेगा 2y में से 2x निकाल दो, दो कॉमन ले लो कितना बचा y माइनस, आप देखो ये पूरा y था और ये छोटा सा x था, y में से x निकालोगे तो कौन सा कोण बचा AP, यही आपको ये केस 2 अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केस 1 पे ध्यान दें।
और ये प्रमेय कर क्या रही है, एक बार फिर समझ लो, ये प्रमेय किसी व्रत में कोई चाप लेने पर, अगर हमें केंद्र पर कोई बिंदु दिया है, केंद्र दिया है, केंद्र से जुड़े और परिधि पर कोई बिंदु दिया है, चाप को परिधि से जोड़ेंगे, अगर ये कोण हमें 30 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 60, और अगर यहाँ पर कोई बिंदु है उसको हम चाप से जोड़ लेंगे, मतलब कहीं भी बिंदु हो तो चाप से जोड़ो, तो ये परिधि को बना कोण कहलाता है। मान लो ये है 30, 30 कितना हो जाएगा, अगर हम ये देख माने केंद्र पर बना कोण ये 60 है, तो परिधि पर बना कोण तो केंद्र पर बने कोण का दुगना होगा, तो परिधि पर बना कोण उल्टा बोलते हैं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, यानी हम देख रहे हैं कि एक ही चाप से वृत्त के चाप के एक और इधर नहीं इधर के जितने भी बिंदु हम ले रहे हैं उससे जब हम चाप को मिला रहे हैं वो सारे कोण आपस में बराबर आ गए। तो अगली फिल्म आ जाएगी कथन नंबर एक ही वृत्तखंड में बने हुए समान, कैसे होगी ये बात, चाप से अगर मैं ये जीवा खींच लेता हूँ तो चाप और जीवा के बीच का भाग वृत्तखंड कहलाता है, एक वृत्तखंड नीचे होगा और एक वृत्तखंड ऊपर होगा। कोई बात नहीं, ले लीजिए ले लीजिए, ना ले लीजिए। तो इसमें जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ एक बिंदु ले लिया, और इसको पी कह दो, इसे क्यू कह दो, इसे आर कह दो, करोड़ों बिंदु ले सकते हैं। शर्त क्या है कि एक ही वृत्तखंड में होने चाहिए, या तो नीचे की तरफ हो या ऊपर, ये ध्यान देंगे। ये चाप है, ये जीवा है, तो जीवा और चाप से एक छोटा लघु वृत्तखंड बना, ये बड़ा वृत्तखंड बना, तो हमने परिधि पर बड़े वृत्तखंड पर बिंदु लिए। इससे अगर हम चाप के अंत बिंदुओं को जोड़ दें तो एक तो चाप यही से ये कोण बना परिधि, क्यू को जोड़ दो तो चाप यही से क्यू पे ये वाला कोण होगा, आर को जोड़ दो चाप यही पर, तो कहीं ना कहीं वृत्त का केंद्र तो होगा। तो क्या ज्ञात है, ज्ञात है एबी वृत्त का चाप, क्या सिद्ध करना है, बी कॉमा क्यू तथा आर एक ही वृत्तखंड में बिंदु, हमें क्या सिद्ध करना है कि इन बिंदुओं से जो कोण बन रहे हैं ये सब आपस में बराबर, रचना कर लेते हैं वृत्त के केंद्र ओ को, ए और बी से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अभी अभी हमने फिर बोले कि किसी वृत्त के चाप पर केंद्र पर बना परिधि पर बने कोण का दुगना होता है,
तो ये बताओ ये केंद्र पर कौन बन रहा है, ए ओ बी किसका दुगना होगा? परिधि पर बने कौन का दुगना होगा, यानी दुगना होगा कौन, ए पी बी का। साथ साथ कौन ए ओ बी जो है वो दुगना होगा किसका, क्योंकि ये भी केंद्र बन रहा है और ये परिधि केंद्र बने कौन को, केंद्रीय कौन कहते हैं, तो केंद्र पर बना कौन इतना बड़ा लिखने से अच्छा केंद्र। अभी दोनों ही ए ओ बी के बराबर है, दो से दो कौन ए पी बी किसके बराबर है, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो कि ए पी बी जो है वो कौन ए आर बी के भी बराबर, ठीक है। यानी जितने भी कोण लोगे वो तो जब ये जितना भी है उसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा, तो सारे कोण जब एक ही कोण के आधे हैं तो वो सब आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब एक ही वृत्तखंड में कोण।